एग्री गोल्ड घोटाला। ईडी ने हैदराबाद विजयवाड़ा में 8 स्थानों पर छापे मारे। हैदराबाद प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को 6,380 करोड़ के एग्री गोल्ड घोटाले के सिलसिले में हैदराबाद और विजयवाड़ा के 8 स्थानों पर तलाशी ली। जांच एजेंसी को नकदी, सोना व घटते दस्तावेज मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से हर एक चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों की लेटेस्ट न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आता हूं। दोस्तों, आज जो बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एग्री गोल्ड घोटाले से रिलेटेड है, जो आंध्र प्रदेश अपराध शाखा जांच विभाग द्वारा मामला दर्ज किए जाने के 14 महीने बाद ईडी ने धन संशोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि पूरी अपडेट क्या है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एग्री गोल्ड कंपनी के प्रवर्तकों के उच्च रिटर्न के बहाने जमाकर्ताओं से हजारों करोड़ों रुपये एकत्र किए और उन्हें धोखा दिया। ईडी मामले की जांच कर रहा है और विदेश में बेमानी संपत्तियों और फ्रॉडों की भी जांच कर रहा है। बुधवार को सुबह शुरू हुई खोज अंतिम रिपोर्ट आने तक जारी रही। एग्री गोल्ड कार्यालय बंद। APCIED के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अन्य राज्यों में लगभग 32 लाख जमाकर्ताओं को एग्री गोल्ड द्वारा धोखा दिया गया था। AP में ही 19.5 लाख जमाकर्ताओं को 3,966 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। घोटाला का पहला मामला 2015 में पश्चिम गोदावरी जिले के पेद्दापु थाने में आंध्र प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एक्ट आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के तहत दर्ज किया गया था। नल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर और कड़प्पा में भी मामले दर्ज किए गए। पुलिस प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया। एग्री गोल्ड चेयरमैन अवनी कटा रामा राव और MD अव्वा वेंकट शेष नारायण राव, उपाध्याय ESSV प्रसाद, निदेशक के रामचंद्र राव और निदेशक PL खन। AP गृह विभाग ने 2015 और 2016 में संपत्ति के आदेशों की कुर्की जारी की थी। जमा राशि के शीघ्र निपटान के लिए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है। तो दोस्तों, ये आगे खबर। ये सभी अपराधी अब जमानत के साथ अपने दिनों का आनंद ले रहे हैं। केवल गरीब जमाकर्ताओं को आश्वासन। आवश्यक रूप से उम्मीद है कि किसी चीज़ की मानता उनके साथ होगी। तो दोस्तों, इस वक्त निवेशकों के सामने बहुत बड़ी परेशानियां यहाँ पर दिखती नज़र आ रही हैं। यहाँ संचालकों को इनको ज़मानत देकर बाहर ऐश करने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन पीड़ित निवेशकों के हक में अभी तक कहीं से कहीं तक कोई किसी तरीके की कार्रवाई यहाँ होती नज़र नहीं आ रही है। जबकि निवेशक इस वक्त कोरोना महामारी के कारण अपने पैसे को लेकर बहुत परेशान है। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट न्यूज़ एग्री गोल्ड कंपनी की। ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दे ज़्यादा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।